5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और 7 तारीख को हम फाइनल विड्रॉवल का है, 2 दिन का समय रहता है, 7 से 3 बजे तक फाइनल विड्रॉवल होगा। उसके बाद हम लोग फाइनल कंटेस्टिंग जो हमारे कैंडिडेट है उसकी सूची तैयार होगी, उसके बाद फिर हम लोग का बैलेट पेपर छपेगा और निर्वाचन की प्रक्रिया जो अंतिम चरण है वो शुरू होगी। इसके लिए हम लोगों ने नॉमिनेशन की व्यवस्था के लिए एक सेट तैयार कर लिया है हिंदी और अंग्रेजी में, और जितने हमारे प्रत्याशी होंगे सभी को हम उपलब्ध कराएंगे, और उसमें कोई भी कमी रहेगी वो हमसे पूछेंगे। हमारे हम आरओ के रूप में रहेंगे, अगर हम अनुपस्थित हैं तो एक हमारे द्वारा प्राधिकृत एआरओ बैठेंगे जो नॉमिनेशन पेपर रिसीव करेंगे, और नॉमिनेशन के टाइम में जो भी पेपर दाखिला करेंगे हमारे कैंडिडेट उसके बारे में हम डिटेल उनको बता देंगे। चेक लिस्ट रहेगा, उस चेक लिस्ट के अनुसार हम लोग जो भी उसमें त्रुटि होगी उसी समय बता देंगे कि ये त्रुटि आप दूर कर लीजिए। अगर उस समय नहीं हुआ तो उनको हर हाल में स्क्रूटनी का जिस दिन डेट है उससे पहले वो चीज़ उपलब्ध करा देना है। यहाँ पर हमारी सारी व्यवस्था फुल प्रूफ रहेगी, 100 मीटर के अंदर उनको 100 मीटर के बाहर ही हमारे चैम्बर से आरओ का चैम्बर यही रहेगा, और उनको 100 मीटर के पहले ही गाड़ी रोक के वहाँ से पैदल आएंगे, अपने जो प्रस्तावक हैं उनके साथ आना है। और हमारे यहाँ जो निर्वाचन संबंधी और कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोगों ने कार्मिकों का प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर जारी कर दिया है। आज से पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षण शुरू है, 25 से लेकर 31 तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, आपके जितने पुलिस पदाधिकारी से जुड़े हैं सभी लोगों का चलेगा प्रशिक्षण। सभी लोगों को इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी संक्षिप्त रहनी चाहिए और ईवीएम की जानकारी उनको पूरी तरह होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर वो ईवीएम की जानकारी पूर्णतः नहीं रखेंगे तो भाई उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। हर हाल में ईवीएम की जानकारी रहनी चाहिए ताकि हम अपने जो निर्वाचन के दौरान उसका प्रयोग होगा ईवीएम का वो सुचारू रूप से चल सके और कहीं बाधा उत्पन्न न हो। सभी लोगों से जितने कर्मी हैं उनसे हम प्रशिक्षण प्राप्ति का एक सर्टिफिकेट भी लेंगे और एक संक्षिप्त परीक्षा भी होगी, परीक्षा ली जाएगी कि भाई आप जो क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे उसका जवाब कितना परसेंट तक देते हैं, कितना हद तक उस समझें, और नहीं समझें तो फिर हम लोग दोबारा समझाएंगे। 3 चरणों में प्रशिक्षण होगा, इसके लिए 4 हम लोगों ने सेंटर यहाँ पर स्थापित किया है, 4 सेंटर पर हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, और 3 चरण में उनको पूर्णतः ईवीएम के बारे में वाकिफ हो जाना है, वीवीपैट क्या है, डीयू क्या है, सीयू क्या है, इसके बारे में उनको जानकारी रखनी है, और इलेक्शन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानकारी देनी है। सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति होगी। हम लोगों ने हमारे यहाँ कुल 670 भवन हैं और सभी कोर्ट से कवर्ड रहेंगे, कोई भी ऐसा बूथ नहीं होगा, कोई भी ऐसा भवन नहीं होगा जहाँ कोर्ट नहीं जाएगी। हम लोग शांतिपूर्ण मतदान के लिए, निष्पक्ष मतदान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ 6 विधानसभा हैं, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, ये 4 हमारे अपने जिले का है, 1 हसनपुर है जो समस्तीपुर जिले का है, और 1 समरी बख्तियारपुर है जो सहरसा जिले का है। तो उन दोनों में जो जिलों में जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी तैयारी चुनाव की करेंगे, वहाँ के संबंधित जो जिला पदाधिकारी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो करेंगे, उनको हमको बैलेट पेपर उपलब्ध करा देना है, सीलिंग वहाँ होगी, सारा काम वो करेंगे, और पोलिंग के बाद उनका ईवीएम हमारे बजटी में आ जाएगा, काउंटिंग हमारे द्वारा की जाएगी और रिजल्ट का प्रकाशन यहाँ होगा। काउंटिंग के लिए हम लोगों ने वज्रगृह का निर्माण बाजार समिति में किया है, वहीं पर हमारा एक कंपनी फोर्स भी रहेगा वज्रगृह की सुरक्षा में, और
जितना हमारा EVM है और स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी पैकेट है सब वहीं पर सुरक्षित सील किया जाए। हमारे यहाँ 6 विधानसभा में कुल 873,363 पुरुष मतदाता हैं और 780,525 महिला मतदाता हैं और अन्य मतदाता 40 हैं। कुल मतदाताओं की संख्या है 16,53,928। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और वैसे जो वल्नरेबल हमारे बूथ हैं या भवन हैं उसको भी हम लोगों ने तय कर लिया है। वहां पर हम लोगों ने अपना कार्रवाई भी किया है और आगे और कार्रवाई करेंगे। कुल हमारे यहाँ मतदान केंद्रों की संख्या 1102 तो मेरा है और अन्य जैसे सिमरी बख्तियारपुर में 338 है और हसनपुर में 274 है और मतदान भवनों की संख्या 670 हमारे यहाँ का है 4 विधानसभा का और सिमरी बख्तियारपुर में 215 है और हसनपुर में 170 भवन है, यानी कि कुल 1055 भवन में आपका चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा मतदान का। हमारे यहाँ सेक्टर की संख्या 100 है और हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम की भी गठन किया है, हर ब्लॉक में दो दो टीम रहेगी और स्टैटिक जो सर्विलांस टीम है उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। चारों तरफ से सीमा को सील करने के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है जहां दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल भी रहेंगे। हम लोगों ने एक रिवर पेट्रोलिंग के लिए संयुक्तादेश भी आज निर्गत किया है। रिवरों में भी पेट्रोलिंग होगी, रिवर के माध्यम से कोई मतदाता को इधर उधर कर रहा है या प्रलोभन दे रहा है या शराब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या पैसा बांट रहा है तो हम लोग रिवर पेट्रोलिंग के द्वारा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, कार्रवाई करेंगे। कितना पेट्रोलिंग रहेगा? हमारे पेट्रोलिंग है 380 हमारे यहाँ छगड़िया में, नदी में हम लोगों ने 9 जगह चेक पॉइंट रखा है, 9 जगह पेट्रोलिंग हो। वो स्पेशल पॉइंट नहीं है नदी में, इस घाट से उस घाट से उस घाट ऐसा वो आपको हम अलग से दे देंगे, वो है आदेश निकला। मतदान कर्मियों का हम लोगों ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है, प्रिजाइडिंग से लेके पोलिंग 1, 2, 3 और आपका सेक्टर का भी, फ्लाइंग स्क्वाड का, स्टैटिक सर्विलांस टीम का, फिर आपका जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो उनका भी, और सभी लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 3 चरणों में की गई है। एक हम लोगों को मतदाता को जो जागरूक करना है इसके लिए सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये क्या है स्वीप कार्यक्रम? इसमें मीडिया प्रचार प्रसार, रैली जैसे साइकिल रैली वगैरह हम लोग निकाले, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, कैंपस राजदूत आदि की कार्रवाई की गई है। यूथ आइकन के रूप में हम लोगों ने 2 यंग खिलाड़ियों का चयन करके और उसको रखे हैं और मतदाताओं को जागरूक करने का हम लोगों ने कई एक जगह बैठक भी किया है, रात्रि पाठशाला का भी आयोजन किया गया है। जागरूकता रथ 1102 बूथ हमारे यहाँ 1102 बूथ पर चलाया गया है। EVM और VVPAT का भी हम लोगों ने प्रदर्शन सभी बूथों पर किया है, 1102 बूथ है, 1102 बूथ पर प्रवेश किया है। पंपलेट भी हम लोगों ने 50,000 छपवा के वितरण किया है, कोई भी मतदाता छूटे ना इसके लिए हम लोगों ने सतत प्रयास किया है और करते रहेंगे, यह हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हर वोटर को मतदान स्थल पर पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है कि परसेंटेज उससे हमारा बढ़ गया, वो कैसे आएंगे, कैसे प्रेरित होंगे। सभी बच्चों को हमने दिया है कि वो अपने गार्जियन से संकल्प लें कि हम वोट जरूर देंगे, इसके लिए एक हम संकल्प पत्र उनको दे रहे हैं कि अपने विद्यालय के माध्यम से वितरण होगा और बच्चे गार्जियन से लिखवा के लाएंगे, जरूर हम वोट करेंगे। उसका एक वोटर का प्रोविजन है,